वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे होम रेमेडीज लेकर आई हूँ जिससे आप अपने आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स की समस्या बिल्कुल भी दूर कर सकते हैं। खासतौर पर आज का टाइम में आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा मैं देखती हूँ। अक्सर लोग का प्रॉब्लम तो ये भी हो सकता है, ज्यादा वक्त अपने फोन के स्क्रीन पे काम करना या लैपटॉप की स्क्रीन पे काम करना या टीवी पे ज्यादा वक्त बिताना या फिर ऐसे स्टडी करते ही वक्त ऑनलाइन स्टडी तो ज्यादातर ही होता है अब का टाइम में, आपको ऑलरेडी पता है। ओके, और इसका कारण एक और हो सकता है स्किन, तो हम चलो केयर कर लेते हैं लेकिन वही आंख के नीचे हम केयर नहीं करते हैं क्योंकि उतना ध्यान नहीं देते हैं कि आंख में लग जाएगा, कभी अंदर चल जाएगा। तो डार्क सर्कल्स रिमूव करने का सबसे बेस्ट होम रेमेडीज है, सबसे इजी है, जो कि आपके किचन में आपके घर में हमेशा अवेलेबल रहता है। तो चलिए मैं वीडियो आप में बताती हूँ कि अपने आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं। इसलिए हमें स्किन की केयर के साथ ही साथ आई के नीचे केयर भी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए बिना देरी आज का वीडियो। सबसे पहले इस नुस्खा को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा मिल्क। मिल्क में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, हमारे स्किन के लिए खास तौर पर मिल्क के जैसा स्किन केयर के लिए मिल्क का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। सो गाइस, मैं आपको एक सलाह दूंगी कि आप मिल्क का प्रयोग जरूर करें अपने स्किन के लिए। अगर आप पूरा स्किन को पूरा करना चाहती हैं, आपके स्किन ड्राई हो गया है, तो आप मिल्क, बेसन, टमाटर का जूस लेकर इन तीनों को अच्छे से मिक्स करके आप अपने स्किन पे मसाज कर ही सकते हैं। बट आपको आंखों के नीचे डार्क को रिमूव करने का सबसे आसान तरीका है मिल्क। इसके अलावा मैं इसके अलावा और कुछ लेने ही वाली नहीं हूँ। रॉल मिल्क आपको लेना है सबसे पहले, और एक कॉटन लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कॉटन लिया है। ठीक इस तरीके से आपको भी ये कॉटन लेना है, बस मैं या तो कॉटन वाला ही लिया है। तो ठीक इस तरीके से आपको दो कॉटन वाला लेना है, और ये है मिल्क। ठीक इस तरीके से आपको मिल्क लेना है इस तरीके से, और इसमें मिल्क में इसे भिंगो दे, कॉटन बॉल को इस तरीके से भिंगो दे। अब ये कॉटन को अपने आंखों के नीचे इस तरीके से लगा दे। सो गाइस, अब इसे ये दूसरा वाला कॉटन है, तो इसे भी इस तरीके से आंखों के नीचे इस तरीके से लगाकर रख सकते हैं, वरना बड़ा वाला कॉटन है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बड़ा वाला पूरे आई को कवर कर सकती हैं बड़ा वाला कॉटन से। कुछ इस तरीके से आपको कवर करके रखना है, हो सके तो आप पूरे आई पे कवर कर रख सकते हैं। ये रॉल मिल्क से ना हमारे आई पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपको कुछ इस तरीके से आपको 30 मिनट्स के लिए लगाकर रखना है। तो मैं यहाँ पे 30 मिनट्स के लिए लगाकर रख नहीं सकती हूँ क्योंकि ये सोते ही वक्त आप कर सकते हैं, सोते ही वक्त करते हैं ना तो ऐसे ही रहता है, तो हमारे गिर भी नहीं सकता है, इसलिए मैं तो इसे निकाल देती हूँ। इसे मैं सोते वक्त यूज करूंगी। इस तरीके से आंखों पे मसाज करने से रॉल मिल्क का आपको प्रयोग ही करना है, जो कि आंखों के नीचे डार्क को दूर करेगा, साथ ही आई में भी बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। ऐसे तो आई प्रॉब्लम्स के लिए मैं तो ऐसे बहुत सारे वीडियो शेयर करी हूँ, मैंने ये नुस्खा खुद यूज किया है, बिना कोई साइड इफेक्ट का है। और वीक में आपको 3 डे या 4 डे करना है, डेली नहीं करना है, रेगुलर आपको करना ही नहीं है, वीक में 4 से 3 डे कर सकते हैं। और हाँ, इससे एक नुस्खा यूज, एक बार यूज करने से 2 फायदे आपको मिलता है। तो है ना सबसे इजी, ये नुस्खा को आप जरूर प्रयोग